हेलो हेलो में शपथ ग्रहण समारोह कुछ ही देर में पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। मोहन मांझी, पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि इतने लंबे अंतराल के बाद उड़ीसा को आदिवासी मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। 24 वर्ष तक कार्यकाल रहा था नवीन पटनायक का, मंच पर मौजूद हैं बीजेपी के तमाम बड़े नेता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, तमाम केंद्रीय मंत्री। अभी कुछ ही देर में ये शपथ ग्रहण शुरू होगा, इंतजार है पीएम का। पीएम पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में मंच पर होंगे उड़ीसा के 15वें मुख्यमंत्री। अपने आप में एक रिकॉर्ड, 24 वर्ष तक बीजेडी की सरकार थी और अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो 15वें मुख्यमंत्री। योगी भी मंच पर दिख रहे हैं इस वक्त, मांझी भी मंच पर है और तमाम जो ये देखिए इस वक्त तमाम वीवीआईपीज मंच पर हैं। हमने देखा है कि परसों ही सीएम के नाम का ऐलान किया गया था और उड़ीसा में भाजपा की सरकार राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव ने इन तीनों नामों का ऐलान किया था। 24 वर्ष बाद राज्य को आदिवासी मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। इससे पहले कांग्रेस के हेमानंद बिस्वाल आदिवासी सीएम थे, उसके बाद थे गिरधर गमांग, उसके बाद कांग्रेस सत्ता की कुर्सी तक नहीं आ पाई लेकिन बीजू जनता दल ने जनता के बीच पैठ बनाई और 24 सालों तक वो सत्ता पर रही। संथाल जाति से हैं मोहन मांझी, राज्य के 15वें मुख्यमंत्री, कुछ ही देर में शपथ लेंगे। चलिए, देश का सवाल जो है हम आज कश्मीर पर लेकर के आए हैं वो हम रुक करेंगे, लेकिन ये जो लाइव तस्वीरें आ रही हैं उस पर एक कमेंट ले लेता हूं मैं। शाइना एनसी बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। शाइना जी, क्योंकि एक तरीके से जय जगन्नाथ के जय घोष के साथ पीएम ने उस दिन भी शुरुआत की थी, मतलब अपने आप में ये अभूतपूर्व है, भले बीजेपी को जो भी कहा जा रहा हो, कि 24 साल बाद उड़ीसा में सरकार बनाना और उड़ीसा में सरकार में वापसी करना। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है
जब भी कोई भी कठिन परिस्थिति में आप देखें, केरला को देखें, उड़ीसा को देखें, वेस्ट बंगाल, वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं ने सक्रिय रूप से काम किया है। मोदी जी के नेतृत्व पता है कि उड़ीसा में जो शुरुआत हुई थी पिछले 2019 में, इसका अंत यहाँ 2024 में इतिहास के रूप में बना है। 24 साल बाद सरकार बदल रही है और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है, तो मैं ये कहूंगी कि ये इतिहास बना है और इस इतिहास की शुरुआत प्रधान सेवक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक रास्ता दिखाया है और उसी रफ्तार से एक विकसित भारत के प्रति हम काम करते जाएंगे। लोग क्या चाहते हैं? वो लोग चाहते हैं स्थिरता, चाहते हैं नेतृत्व, चाहते हैं प्रगति, और उड़ीसा की सरकार को यही मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के कमल के साथ। मतलब आप ये कैसा प्रयोग देखती हैं, क्योंकि उड़ीसा ने कहीं ना कहीं एक सेवर था, अब आज से ही कहा जा रहा है कि जैसे सिर्फ एक 240 पर खड़ी है बीजेपी, अभी तो बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त है आगे, और देखिए कश्मीर को लेकर के अभी हम डिस्कस भी करेंगे, चीज़ें और सख्त हैं, लेकिन उड़ीसा किस तरीके से, जो एक तरीके से प्रयोगशाला आपको लगता है कि साबित हुई, और वो भरोसा उड़ीसा ने जताया जो महाराष्ट्र और शायद बंगाल और यूपी से शायद थोड़ा सा छिटका है। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 240 भले हो। अच्छा शाइना, मैं एक बार आपको भी बता देता हूँ, एक सेकंड शाइना, मैं आपको भी बता देता हूँ, दर्शकों को भी बताता हूँ, पीएम इस वक्त मंच पर आ चुके हैं, जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है, खुद शपथ लेने वाले मोहन मांझी उनका स्वागत कर रहे हैं। खैर ये खासियत है कहीं ना कहीं, जिस तरीके से मतलब प्रयासरत, मतलब प्रयास में कोई कमी नहीं, लगातार लगे रहना, शायद यही नतीजा है 24 साल के बाद। जी चाइना, अपनी बात पूरी कीजिए। कि कांग्रेस के तीन इलेक्शंस आप देखें, पिछले तीन जनरल इलेक्शंस इकट्ठा करें, क्यूमुलेटिवली भी 240 नहीं है। इंडी गठबंधन की बात करें तो क्यूमुलेटिवली भी 240 नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये इतिहास क्यों बना है? क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री आए हैं, 1962 के बाद पहली बार एक प्रधानमंत्री तीसरी बार आ रहे हैं, और उड़ीसा में आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभाव रहा है वो सीट्स में आप देख रहे हैं, आज सरकार बनने जा रही है। इसके साथ साथ एक और विशेषता ये है कि उड़ीसा में नवीन पटनायक को छोड़ के किसी और नेतागण को मौका नहीं मिला, वहाँ ये विश्वास जता रहे हैं मांझी जी में और नरेंद्र मोदी जी में। और उससे एक चीज स्पष्ट है कि जब लोग बोलते थे कि यू नो भारतीय जनता पार्टी इज ओनली लिमिटेड टू द हिंदी हार्टलैंड, यहाँ आपको पता चलता है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है, हमारे विधायक बड़े हैं और यहाँ तो हमारे सांसद भी बड़े हैं। तो उसी दिशा में लाभार्थियों के लिए काम करते करते प्रधानमंत्री के रूपरेखा, उनकी जो एक राजनीतिक इच्छा शक्ति है, उस अनुसार हम काम करते रहेंगे। और फिलहाल कुछ आप, जिसे ये कहा जा रहा है कि कुछ चेंजेस देख रही हैं राज्य व राज्यवाइज, या क्योंकि जाहिर सी बात है जेपी नड्डा जो है वो केंद्रीय मंत्री इस वक्त बन चुके हैं, स्वनिर्णय हो चुके हैं, अब नया अध्यक्ष जो होगा, नया अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर के भी मैं ये तो नहीं कहूंगा, ये तो पार्टी का इंटरनल मैटर है, लेकिन फिर भी तमाम चीजें स्पेकुलेशन ना, कोई स्पेकुलेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास 11 करोड़ सदस्य है, विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, लेकिन इसके बावजूद विश्व का सबसे डिसिप्लिन्ड काडर, जहां मोदी जी जैसे कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, इंडिविजुअल लास्ट, उसी आधार पे हम चाहेंगे कि हम एक डिसिप्लिन काडर के रूप में काम करते जाएं, उड़ीसा की जनहित में काम करते जाएं। 25 करोड़ जो गरीब थे वो बिलो पॉवर्टी लाइन से उभर के आए हैं, और हम चाहेंगे कि ये ही बढ़ते जाए ताकि एक विकसित भारत ना सिर्फ एक चर्चा का मुद्दा बने, लेकिन जब 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है, 13 करोड़ लोगों को शौचालय मिल रहे हैं, 11 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला मिल रहा है, 55 करोड़ लोग जिनको 5 लाख मिला है आयुष्मान भारत के निमित्त, इसमें हमारे उड़ीसा के भी जो गरीब हैं जिनको, जैसे कि
प्रधानमंत्री कहते हैं कि चार वोट बैंक है आज के दिन में, एक है गरीब, एक है महिला, एक है युवा और एक है किसान। उसी दृष्टि से हम काम करते जाएं और हमें उम्मीद है कि अगले 5 साल में मांझी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में ये संगठन बरकरार रहेगा, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति आजाद। फिर उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत। श्री मोहन चरण मांझी ईश्वरक नाम शपथ करूँगी जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखी, भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करी, ओडिशा राज्यर मुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतरकरण रे निर्वाह करी एवं बिना भय बा पक्षपात रे, बिना अनुराग बा देश रे सबु प्रकार लोकंक प्रति संविधान और विधि अनुसारे न्याय प्रदान करी। मु श्री मोहन चरण मांझी ईश्वरक नाम शपथ करूँ जे जो विषय राज्यर मुख्यमंत्री रूपे मोर विचार को अणाजीव बा मते ज्ञात हब ताहाकु एपरी मुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्वाह निमित्त जेपरी आवश्यक हब तत् भिन्न प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे कौनसी व्यक्ति बा व्यक्ति मानंकु जणाइबि नाही बा प्रकट करिबि नाही। धन्यवाद। तो मोहन चरण मांझी ने शपथ ले ली है और उसके अलावा जो है बाकी, और क्योंकि दो उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं और यहाँ पर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम इस वक्त चलते हुए मोहन चरण मांझी ने शपथ ले ली है उड़ीसा में। अब निर्वाचित मंत्री मान निजुक्ति आदेश पाठ करने निमित्त मुझे अनुमति कामना कर श्री रघुवर दास। श्रीमान निर्वाचित मंत्री मानंकर नियुक्ति आदेश पाठ करने निमित्त मु आपणक अनुमति कामना करुछि। प्रथमे उपमुख्यमंत्री श्री कनक वर्धन सिंह देव। मु कनक वर्धन सिंह देव ईश्वरक नाम रे शपथ करूछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखी, भारतर सार्वभौमत्व अखंडता रक्षा करी, ओडिशा राज्यर उपमुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्धा अंतकरण रे निर्वाह करी एवं बिना भय व पक्षपात रे, बिना अनुराग व द्वेष रे सबु प्रकार लोकंक प्रति संविधान ओ विधि अनुसार न्याय करी। मु कनक वर्धन सिंह देव ईश्वरक नाम रे शपथ करूछि जे जो विषय राज्यर उपमुख्यमंत्री रूपे मोर विचार को अणाजीव बा मते ज्ञात हेब ताहाकु इपरी मंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्भय निमित्त जेपरी आवश्यक हेब प्रत्यक्ष व परोक्ष भावे कौनसी व्यक्ति बा व्यक्ति मानकु जनेबि नाही बा प्रकट करिबि नाही। कनक वर्धन सिंह देव, कनक वर्धन बीजेपी के काफी सीनियर लीडर हैं।
कनकवर्धन देव ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। लगातार ग्रास रूट लेवल पर काफी जुड़े रहे हैं। बालंगीर जिले की पट्टागढ़ विधानसभा से आते हैं। 1995 से 2014 तक लगातार पट्टागढ़ से चुने गए, यानी कि लगातार श्रीमती प्रभाती परिडा। श्रीमती प्रभाती परिडा ईश्वरंक नामरे शपथ करूअछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी, भारतर सार्वभौम्यता और अखंडता रक्षा करिबी, ओडिशा राज्यर उपमुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतकरण रे निर्वाह करिबी एवं बिना भय बा पक्षपात रे बिना अनुराग बा द्वेषरे सबु प्रकार लोकंक प्रति संविधान और विधि अनुसारे न्याय करिबी। श्रीमती प्रभाती परिडा ईश्वरंक नामरे शपथ करूअछि जे जेऊं विषय राज्यर उपमुख्यमंत्री रूपे मोर विचार को अणाजीव बा मोते ज्ञात हेब ताहाकु एपरि उपमुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्वाह निमित्त जेपरि आवश्यक हेब तत्भिन्न प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे कौनसी व्यक्ति बा व्यक्ति मानंकु जणाइबि नाही बा प्रकट करिबि नाही।